दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे सैमसंग म्यूजिक के बारे में। एक्चुअल में ये होता क्या है और इसके क्या फंक्शन है, इसकी क्या वेराइटीज़ है, क्यों ये सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर है उस हिसाब से। ओके दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अभी सबसे फर्स्ट जैसे मैंने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले इसकी एज लाइट जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है और काफ़ी ज़्यादा लुक्स लाइक लगती है। कहीं पर भी फ़ोन अगर कुछ भी अपन देखते हैं, किसी के सामने भी रखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले शुरू करता हूँ यहाँ पे एट ट्रैक्स पे मैंने गया हूँ। सबसे पहले मैं एट ट्रैक्स पे मैंने देखा है कि अगर मुझे कोई गाना अगर ऐड करना है तो सिंपली अपने तरीके से कोई शफल अगर या पर्टिकुलर कोई भी सॉन्ग चलाना है तो मैं उसको चला सकता हूँ इस एड लिस्ट के थ्रू। आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा सा ब्रेक जाता हूँ। ब्रेक जाने के बाद मैं देखता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे जो बहुत सारी कीज़ अंदर दे रही है, फास्ट फॉरवर्ड की है, वॉल्यूम की है, और ये जो चाहिए मैं अगर मैंने वॉल्यूम अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ तो अब मैं इसमें देखता हूँ एक पॉपअप खुलता है जो कि बताता है कि अगर इससे ज़्यादा मैंने अगर वॉल्यूम रखी तो मेरे कानों के लिए सही नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों कि इसमें जो बटन है इसमें एक शफल का बटन है, एक में जो नेक्स्ट है सॉन्ग अगर मैं चाहूँ तो उसको नेक्स्ट भी कर सकता हूँ, ब्रेक भी कर सकता हूँ इसको, और दूसरे के उसके अलावा इसमें शफल का बटन है। अगर कोई सा भी जैसे सॉन्ग मुझे बार बार चलाना है, अलग अलग टाइप से चलाना है, तो वो सारे के सारे इसमें फंक्शन है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, तो देखता हूँ सबसे पहले चीज़ इसमें आती है शेयर की। शेयर की अगर चीज़ इसमें देखूँ सबसे पहले तो शेयर में यही आता है सबसे पहले, अगर मुझे इसको कुछ भी अगर सेंड करना है, किसी को भी सेंड करना है, कुछ भी करना है तो एक्सेंडर के थ्रू उसमें गानों को डायरेक्टली सेंड किया जा सकता है। एड में अगर मैं चाहूँ तो अपना कोई भी सभी अगर फेवरेट सॉन्ग है या फिर कोई सा भी सॉन्ग है तो मैं उसको क्वेन में भी रख सकता हूँ और उसको फेवरेट में भी रख सकता हूँ अलग से। मेरे को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी लाइब्रेरी में। उसके अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में आऊँ तो इसकी इन्फॉर्मेशन यही है इस पर कि ये जो मैंने गाना चलाया है ये वो सेनेला गोम्स का गाना है, कोई सा भी हार्ट ब्रोकन वाला गाना है इसका जो कि मैंने चलाया है। दूसरी बात अगर ये बात करूँ मैं कि इसके आर्टिस्ट के बारे में कुछ आइडेंटिफाई करना है तो इसका आर्टिस्ट कौन था, इसका आर्टिस्ट सिंपली लिखा हुआ ऊपर कोने में आ रहा है, सेनेला गोम्स इसके आर्टिस्ट है। अगर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों तो आगे देखते हैं, इस पर सबसे पहले डिलीट का ऑप्शन आता है। डिलीट में अगर डायरेक्टली सिंपली यहीं से डिलीट किया सकता है जबकि मेनली प्लेयर में यहाँ से नहीं किया जा सकता। सेटेस की बात करता हूँ तो इसमें डायरेक्टली ऑप्शन दे रखा है कि अगर मैं चाहूँ तो फ़ोन के बिंगिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हाईलाइट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहूँ पर्टिकुलर स्पेशली कोई रिंगटोन चाहिए तो मैं फ़ोन रिंगटोन में भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, कॉलर ट्यून में भी इसको यूज़ कर सकता हूँ और अलार्म में भी इसको यूज़ कर सकता हूँ दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा एक फंक्शन है इसमें ताकि किसी यूज़र को इतना प्रॉब्लम नहीं करनी पड़े इस चीज़ के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इसमें कि इसके डिटेल्स, अगर सॉन्ग्स की डिटेल्स में देखा जाए तो इस पर ये सॉन्ग्स की बता रहा है, इसे आर्टिस्ट सेनेला गोम्स है, द हार्ड वेंट्स विन टी वॉन्ट्स ये इसका सॉन्ग्स है, फॉर यू इसके नाम से है, जेनेरिक इसका पॉप्स है, 2040 में इसका ये हुआ है टोटल इसका रिकॉर्डिंग हुआ है। इसका ऑडियो जो है वो है FLAC। दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जो ऑडियो ट्रैक होते हैं MP3 होती है, MP4 होते हैं, सबसे हाई लेवल की ये ऑडियो फॉर्मेटिंग होती है जिसमें कि इसकी सॉन्ग की जो साइज़ है आप देख रहे हैं 26.89 MB की है। तो दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ है, देखा जाए जो म्यूज़िक जो लवर्स है उनके लिए एक ओरिजिनल जेन्युइन एकदम कम्प्लीटली बीट्स निकालता है यहाँ से, जो कि सबसे शानदार चीज़ है अब तक के लिए। अब बैक करता हूँ और दूसरे फंक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। अगर मैं आता हूँ इसमें सेटिंग्स में, इसके सबसे पहले तो सेटिंग्स में सबसे पहले मैं देखूँगा इसमें मैनेज टेप्स लिख रखा है। मैनेज टेप्स के अंदर अगर कोई सा भी अगर पर्टिकुलर मुझे अपना अगर एल्बम है, आर्टिस्ट है, इसके बारे में अगर सिंपली अगर आइडेंटिफाई करना है तो मैं इसमें टेप्स ले सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि इस पर कंट्रोल लॉक की स्क्रीन है, अगर फ़ोन लॉक होने के बाद में इसको मैं कोई सा भी गाना अगर आगे पीछे या प्ले या पॉज कुछ भी करता हूँ तो चल जाता है, म्यूज़िक ऑफ स्क्रीन होते ही हो जाएगा, जब तक स्क्रीन चलेगी तब तक नहीं चलेगी वो जब तक वो। और प्ले स्पीड तो आपको पता ही होगी, किसी से चलाना नहीं चलाना। स्लिप टाइम के बारे में अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे स्लिप टाइम है अलग अलग टाइम से शेड्यूल की रिकॉर्डिंग। स्मार्ट वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। स्कीप साइलेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि वॉल्यूम गाना खत्म हो जाता है दूसरा शुरू हो जाता है। और इसके आगे एज लाइट जो तो आपको पता ही है, एज लाइट जैसे ऑन ऑफ करूँगा कुछ भी करूँगा तो सीधी आती रहेगी। बात करते हैं इसके अबाउट फोन के बारे में, या फिर यूँ कहें कि अबाउट फ़ोन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके फ़ोन के बारे में जितने भी इसकी एप्लीकेशन है, इसके कुछ भी है और या कुछ भी है तो मैं उसको ओपन करके दिखाता हूं आपको इसमें क्या दे रखा है। सैमसंग म्यूजिक प्लेयर में सबसे पहले इसके वर्जन के बारे में बता रखा है, टर्म्स कंडीशन और सोर्स लाइसेंस के बारे में बता रखा है कि एप्लीकेशन किस किस रूल्स को फॉलो करती है, क्या करती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं वो सारी एक अलग चीज़ ही हो गई है, तो आप ये देखना है इसमें कि ये एप्लीकेशन किस हद तक आपको अच्छी लगती है। फिलहाल तो ये दोस्तों ये एप्लीकेशन अवेलेबल है नोट 8 में और सैमसंग गैलेक्सी S6 और S7, S7 प्लस और S8 और S8 प्लस और S9, S9 प्लस के बारे में। और जितने भी अभी जो जितने भी फंक्शन सारे अवेलेबल है वो है S8, नोट 8 और